4 डिजाना हलचल में आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले देखते हैं नगर की प्रमुख हलचल। एडमिशन ओपन फॉर नर्सरी टू 12th हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम माँ शारदा कॉन्वेंट हाई सेकेंडरी स्कूल ब्राह्मणों का वास धान मंडी रतलाम। आवश्यकता है योग्य अनुभवी प्रशिक्षित शिक्षिकाओं की। संपर्क करें 07412405348। बदमाशों द्वारा जावरा शहर में एक मंदिर परिसर में गोवंश के अवशेष फेंकने पर हिंदू संगठन उत्तरा सड़कों पर जावरा शहर को बंद करवाने के साथ फोर लेन पर किया चक्का जाम। आरोपी युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपियों के मकान पर भी चला बुलडोजर। विश्व रक्तदाता दिवस के उपलक्ष्य में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव संस्था द्वारा आयोजित किया गया रक्तदान शिविर। शिविर में रक्तदाताओं को किया गया सम्मानित। रतलाम जिले के बाजना अंचल में भैरूपियों ने साधु का वेश धारण कर की ठगी। ठगी करने वाले भैरूपियों को क्षेत्रीय रहवासियों ने पकड़कर किया पुलिस के सुपुर्द। 1.5 किलो चांदी के साथ नकदी एवं संदिग्ध वाहन भी पुलिस ने किया जब्त। रतलाम के जावरा में आज स्थिति उस समय तनावपूर्ण हो गई जब मंदिर में अज्ञात बदमाशों ने गौवंश के अंग फेंक दिए। सुबह जब पुजारी मंदिर पहुंचे तो मंदिर का दृश्य देखकर सन्न रह गए। पुजारी ने आसपास के लोगों और पुलिस को पूरे मामले की सूचना दी। जावरा के कमल टॉकीज क्षेत्र स्थित जागनाथ महादेव मंदिर की यह पूरी घटना है। खबर है कि पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। उनसे पूछताछ जारी है। घटना से हिंदू संगठन के कार्यकर्ता आक्रोशित हो गए और घंटाघर चौराहे से जावरा बंद करवाने के लिए निकल पड़े। आक्रोशित कार्यकर्ताओं द्वारा कुछ स्थानों पर छुटपुट तोड़फोड़ की भी खबर है। वहीं नाराज कार्यकर्ताओं ने बस स्टैंड से कई बसों को रवाना करवा दिया है। आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग और कड़ी कार्रवाई को लेकर हिंदू संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं। हिंदू संगठनों के पदाधिकारी ने घटना के बाद ताल नाका क्षेत्र में प्रदर्शन और चक्का जाम भी किया। इन लोगों ने सड़क पर ही हनुमान चालीसा का पाठ भी किया है। घटना की सूचना पर जावरा विधायक राजेंद्र पांडे भी मंदिर पहुंचे और मंदिर के पुजारी से जानकारी जुटाई है। जावरा विधायक ने अधिकारियों को इस मामले में कड़ा एक्शन लेने के निर्देश भी दिए हैं। प्रशासन ने जिले और आसपास का पुलिस बल जावरा में तैनात कर दिया गया है। स्थिति तनावपूर्ण में किंतु नियंत्रण में है। पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी लगातार मामले पर नजर बनाए हुए हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए जावरा पुलिस आसपास के क्षेत्र के CCTV खंगाल रही है। जावरा में माहौल बिगड़ने की ये पहली बड़ी घटना है जिसको लेकर जिला प्रशासन अलर्ट है। आरोपी को गिरफ्तार करते हुए आरोपी का मकान पर भी बुलडोजर चला दिया। समाज के मंदिर में छोड़िए, क्या कैमरे लगाए जाए? समाज कैमरे लगाता है, वो तो सार्वजनिक मंदिर का ही है। या तो उसे मानती मान सार्वजनिक कर दीजिए उस मंदिर को। आप जीवन के लिए रक्त का बड़ा महत्व है। रक्त बिना जीवन संभव नहीं है। ऐसे में रक्त की अहमियत क्या होती है वही लोग समझ सकते हैं जिन्होंने रक्त के अभाव में अपनों को खोया है। विश्व रक्तदाता दिवस के उपलक्ष्य में जिला अस्पताल परिसर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर मध्य प्रदेश मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की रतलाम शाखा द्वारा आयोजित किया गया था।
संस्था अध्यक्ष अश्वनी शर्मा ने बताया कि संस्था द्वारा इस अवसर पर बिस्वा रक्तदान शिविर का आयोजन करते हुए रक्तदाताओं का सम्मान किया जा रहा है। कार्यक्रम में मुख्यातिथि के रूप में भाजपा जिलाध्यक्ष प्रदीप उपाध्याय व सिविल सर्जन के साथ गणमान्य जन मौजूद रहे। लेकिन अगर दान दाता नहीं आएगा तो हम कैसे करेंगे? और जिस प्रकार से आप लगातार भाई अश्विनी से जब भी बात करो रक्तदान की बात करता करे वहाँ ये शिविर है, वहाँ से चलना रोजी जो के माध्यम से जो वेन है उस वेन को जो वेन के माध्यम से दान करते थे अलग अलग क्षेत्रों में जाकर कभी खाचवर चल गए कभी बड़ोदा चल गए और नीरेस्ट गाँव के अंदर जहाँ जाकर डोनेट दाता को प्रेरित करके उनसे ब्लड लेकर इन ब्लड बैंक को देने का काम जो करते हैं ऐसी सभी संस्थाओं को पुनः मेरी ओर से हार्दिक शुभकामना। कार्यक्रम में 2 दर्जन के करीब रक्तदान हुआ, वहीं संस्था द्वारा रक्तदाताओं का सम्मान भी किया गया। रतलाम के जावरा से गुजरने वाले एटलेन पर आज एक बार फिर बवाल मच गया। यहां गौवंश से भरा एक ट्रक पलट गया, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने ट्रक में आग लगा दी। पूरा वाकया आज दोपहर उस समय हुआ जब जावरा भूतड़ा एटलेन टोल से गुजरने के बाद एक ट्रक नियंत्रित होकर पलट गया। ट्रक में बहुत सारे गौवंश ठूंस ठूस कर भरे हुए थे जो ट्रक पलटने से बुरी तरह से जख्मी हो गए। ट्रक पलटा देख आसपास के ग्रामीण भी मौके पर पहुंचे और गौवंश की ऐसी हालत देखकर वे आक्रोशित हो गए। इतने में मौका देख कुछ लोगों ने ट्रक में आग लगा दी, जिससे पर यह ट्रक धुंधू कर जल उठा। घटना की सूचना पर जावरा औद्योगिक थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और दमकल की मदद से आग पर काबू पाया गया। जावरा पुलिस इस बात की जाँच में जुटी है कि यह ट्रक कहाँ से कहाँ जा रहा था और किस स्थान से यह गौवंश ट्रक में चढ़ाए गए थे। अब बारी एक छोटे से ब्रेक की। क्या आपको या किसी परिचित को स्तन में गांठ है? गांठ जैसा या स्तन में दर्द होता है, निप्पल से खून या पानी निकलता है। स्तन या निप्पल का आकार हाल ही बदल गया है। स्तन की त्वचा में कोई बदलाव है? बगल या गले में गांठ है? स्तन कैंसर की शंका दूर करना चाहते हैं? स्तन की जांच करवाना चाहते हैं? आप मेमोग्राफी या बायोप्सी करवाना चाहते हैं? स्तनपान मार्गदर्शन चाहते हैं? स्तन संबंधी किसी भी समस्या से परेशान है तो तुरंत मिले स्तन रोग विशेषज्ञ सर्जन से, डॉक्टर स्मिता शर्मा, स्तन रोग क्लिनिक, श्रद्धा हॉस्पिटल। इलाज हेतु आयुष्मान कार्ड मान्य, ब्रेस्ट कॉन्सर्वेशन सर्जरी, ऑन्कोप्लास्टी की सुविधा, महिला स्टाफ द्वारा डिजिटल एक्सरे, मैमोग्राफी। शिक्षित शिक्षिकाओं की संपर्क करें 07412405348। रतलाम शहर के साथ ही जिले के अंचलों में ठगी की वारदातों में इजाफा हुआ है। रतलाम जिले की बाजना तहसील में 2 बहुरूपियों ने साधु का वेश धारण कर अंचल के लोगों से ठगी की। ठगी करते पकड़ने जाने के बाद क्षेत्र के रहवासियों ने बहुरूपियों को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। बाजना में उस समय हंगामा हो गया जब साधु का वेश धरे 2 लोगों को ग्रामीणों ने पकड़ा। कुछ लोग समझ पाते उसके पहले दोनों की पिटाई भी कर दी।
ग्रामीण दोनों को पकड़कर बाजना पुलिस थाने पर लेकर गए। पुलिस ने प्रारंभिक जानकारी जुटाई तो सामने आया कि दोनों ठगों ने शिवगढ़ थाना अंतर्गत छावनी झोड़िया में किसी महिला को बातों में लेकर करीब 1.5 किलो चांदी के आभूषण की ठगी कर अपने साथ लेकर चले गए। जब महिला के परिवार वालों को इस बारे में मालूम पड़ा तो इनका पीछा किया। बाजना में दोनों ठगों को ग्रामीणों की मदद से पकड़ लिया, दोनों की पिटाई भी कर दी। शिवगढ़ पुलिस थाना ने फरियादी बहादुर पिता कमजी झोड़िया की रिपोर्ट पर साधु के वेश में ठग अरविंद पिता दादू कालबेलिया, करण गोयल पिता रामसिंह कालबेलिया दोनों निवासी अनंतखेड़ी थाना पेटलावत जिला झाबुआ के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। शिवगढ़ थाना प्रभारी ने जानकारी देते हुए बताया, हमारे पास ग्राम छावनी झोड़िया से बहादुर पिता कमजी झोड़िया आया, कई लोगों के साथ आया था और दो बाबाओं को पकड़ के लेके आया और बताया कि मैं सुबह 9:30 बजे अपने घर से ढोर को पानी पिलाने के लिए जा रहा था तो रास्ते में रतलाम तरफ से एक मारुति गाड़ी आई जिसमें दो बाबा बैठे थे और उन्होंने मेरे से पूछा कि ये रास्ता कहाँ जा रहा है, क्या बाजना, हमको बाजना जाना है। तो उक्त बाबा ने यही बताया था कि ये रास्ता बहादुर ने बताया कि ये रास्ता बाजना तरफ जाता है। तो इतने में उसने एक बाबा ने बोला कि आपके पास पैसे नहीं रहते हैं, आपका हाथ बताओ। तो ऐसा करके उसने अपना हाथ बताया जिस पर से उन्होंने कुछ फूल और ये दिया और एक बाबा ने उसके हाथ में से एक चांदी का कड़ा और एक चेन निकाल के मारुति लेकर भागने लगे जिस पर लोगों ने उसका पीछा कर बाजना बाजार में जाके पकड़ा और बाजना थाने पर ले गए जहाँ पर पूरी घटना बताई और घटना स्थल हमारे थाना क्षेत्र का आने से थाना शिवगढ़ पर दोनों को फरियादी सहित आए जिस पर से हमारे यहाँ धारा 379 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। शास्त्री नगर स्थित रूबी वेलफेयर सोसाइटी का शुभारंभ किया गया। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में समाज सेवी प्रभु राठौड़ विनोद माली, ब्लॉक समन्वयक जन अभियान परिषद शैलेंद्र सिंह सोलंकी, सृष्टि समाज सेवा समिति के अध्यक्ष सतीश टांग उपस्थित रहे। विनोद माली ने कहा कि हम सब स्वरोजगार से जुड़े और अपनी प्रतिभा को पहचानते हुए महिला शक्ति का परिचय देते हुए समाज में अच्छे कार्य करें। प्रभु राठौड़ ने उद्बोधन में कहा कि महिला भी पुरुषों से कम नहीं है, महिलाएं चाहे तो कुछ भी कर सकती है। हमारे भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी जी आज एक महिला है, पहले प्रधानमंत्री हमारी इंदिरा जी थी, वह भी महिला ही थी। इस मौके पर पिंकी मेवाती मेहंदी कुई के पास की झोपड़ी को स्वरोजगार हेतु सिलाई मशीन दी गई। साथ ही महिलाओं ने शपथ ली कि हम सब आत्मनिर्भर बनेंगे तथा अन्य महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बनाएंगे जिससे कि महिलाओं को किसी के भी आगे हाथ ना फैलना पड़े एवं पर्यावरण के साथ जल संरक्षण के प्रति जागरूक करेंगे। शपथ लेते हैं कि जल को बचाएंगे, पौधों को बढ़ाएंगे, पर्यावरण का हम सब संरक्षण करेंगे। हमारे जीवन में हम 5 पौधे अवश्य लगाएंगे। शासन की योजनाओं का प्रचार प्रसार कर महिलाओं युवाओं को स्वरोजगार से जुड़ने का हर संभव प्रयास करेंगे। प्रांतीय राजपुरोहित महिला जागृति मंच की कार्यकारिणी की प्रथम बैठक श्रीमती कल्पना पुरोहित की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक के पूर्व गुरुदेव खेतेश्वर महाराज, मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण दीप प्रज्वलन कर सरस्वती वंदना श्रीमती रश्मि राजपुरोहित, कविता राजपुरोहित द्वारा प्रस्तुत की गई। तत्पश्चात मुख्य अतिथि डॉक्टर पी के पुरोहित, श्रीमती मंजू राजपुरोहित, विशेष अतिथि महिला जागृत मंच की अध्यक्ष श्रीमती किरण जी राजपुरोहित, मंदसौर जिले से अध्यक्ष श्रीमती मिथिलेश राजपुरोहित एवं प्रांतीय उपाध्यक्ष सुचित्रा राजपुरोहित, श्रीमती पूर्णिमा राजपुरोहित की उपस्थिति में सामूहिक चर्चा कर समाज के कल्याण हेतु प्रांतीय कार्यकारिणी की घोषणा अध्यक्ष श्रीमती कल्पना पुरोहित द्वारा की गई। साथ ही प्रतिभावान छात्राओं का सम्मान, युवक युवतियों के परिचय सम्मेलन करवाने का संकल्प लिया। इस बैठक में महिला मंच से श्रीमती यमुना राजपुरोहित, अमन राजपुरोहित, अनुसुया राजपुरोहित आदि एवं राजपुरोहित महिला जागृति मंच प्रांतीय जिला की सभी महिला उपस्थित रही।
प्रेरणा गीत प्रस्तुत कर बैठक का समापन किया गया। पूरा विश्वास है कि हम लोग सारे लोग मिलके कुछ अच्छा काम करें। रास्ते पे जब चलना पड़ता है तो पत्थरों और कांटों के बीच से गुजरना पड़ता, आप लोग सब जानते हैं। जीवन को आगे बढ़ाने के लिए हर तरह की खट्टी मीठी बातें होती है, लेकिन उसको बड़ा वही होता है, परिवार हो चाहे संगठन हो, जो उन सब चीजों को इग्नोर करते हुए, सबका सम्मान करते हुए आगे चले, तभी वो कुछ आगे कर पाएगा। वो छोटी मोटी आज के लिए बस यहीं तक, फिर मुलाकात होगी नई सुर्खियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। बदमाशों द्वारा जावरा शहर में एक मंदिर परिसर में गोवंश के अवशेष फेंकने पर हिंदू संगठन उतरा सड़कों पर, जावरा शहर को बंद करवाने के साथ फोर लेन पर किया चक्का जाम। आरोपी युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपियों के मकान पर भी चला बुलडोजर। विश्व रक्तदाता दिवस के उपलक्ष्य में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव संस्था द्वारा आयोजित किया गया रक्तदान शिविर। शिविर में रक्तदाताओं को किया गया सम्मानित। रतलाम जिले के बाजना अंचल में भैरूपियों ने साधु का वेश धारण कर की ठगी। ठगी करने वाले भैरूपियों को क्षेत्रीय रहवासियों ने पकड़ कर किया पुलिस के सुपुर्द। 1.5 किलो चांदी के साथ नकदी एवं संदिग्ध वाहन भी पुलिस ने किया जब्त।